सीफा बैच से है बिजनेस एनालिटिक्स का। मैं पहले सीफा बैच में ज्वाइन किया था, उस बैच में 500 लोग थे ज्वाइन हुए थे, और तो 500 लोग जब ज्वाइन हुए थे ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ कि एक क्लास बहुत गंदा चला था, पहला ही क्लास था वो। बाद मैं बोला मुझे अभी रिफंड चाहिए, मैं तो लोन से हो गया, तो वो बोले कि नहीं रिफंड तो नहीं हो सकता है, और आप बैच चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं फिर से ठीक है मैं हाँ बोला, C7 बैच में ज्वाइन किया। उस बैच में भी वही प्रॉब्लम है, उस बैच से तो कम है, बट एक कंटेंट होता है ना पढ़ाने का टाइम, वो बहुत मतलब बिल्कुल सही नहीं पढ़ाने का स्ट्रक्चर। और मैं बहुत बार ये क्लेम भी किया हूँ क्या फॉर्मेट है वगैरह ये सब, मैं रेज भी किया था, कंप्लेन किया था, तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। बोला मैं नोट कर रहा हूँ, किया 3 बार ऐसे मैं रिक्वेस्ट किया, उसके बाद जैसे के तैसे कुछ नहीं हुआ। और अभी मैं रिक्वेस्ट भी किया, मेरा मतलब फ्रेंकली बोल रहा हूँ, झूठ से बोला था कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वगैरह है, कॉलेज से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी ये लोग रेस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि आपका नो रिफंड पॉलिसी है वगैरह। और रही बात, मैं यही नहीं मतलब हम सोचे कि ये वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं जब बाद में जब ग्रुप में लिंक आया वगैरह मैं चेक किया तो ऐसे 100 लोगों का प्रॉब्लम है, और C7 बैच का ही नहीं है वो, हर बैच का प्रॉब्लम है, हर बैच का। ये तो बात है, समझ सही तुम्हारी। मतलब हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, मैं जनरली बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं अभी पता किया कि ऑफिस वगैरह कहाँ है वगैरह पता किया, तो ऑफिस का भी लोकेशन 2 दिखा रहा है, कहाँ कभी कोरमंगला दिखा रहा है, कोई कभी डोमलोर दिखा रहा है, इधर उधर नहीं भाई, ये ऑफिस का लोकेशन ना अभी तक किसी को मिला ही नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ के ऑफलाइन जाके कोई बात कर सके। हाँ जी, और अगर आप बेंगलोर में, मैं अभी परसों जा रहा हूँ। हाँ वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा जाके पता करिए, अगर एग्जैक्ट अगर लोकेशन मिल जाए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को पता हो जाए कि आप ऑफलाइन लोकेशन कहाँ है। नहीं नहीं मैं मतलब मैं अभी डिसाइड वही किया हूँ, पहले खुद जाके मैं उनको कॉल किया था दूसरे नंबर से कि मैं आपके ज्वाइन होना चाहता हूँ और मुझे ऑफलाइन ज्वाइन होना है, तो एक एड्रेस भेजे एड्रेस है, तो मैं पहले उधर जाके पता करूंगा वो एड्रेस सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखिए भैया मतलब ऑनलाइन वगैरह ना बहुत बेकार है, मतलब इन द सेंस ये सब करना अगर मतलब पूरा प्रॉपरली करना है ना, हम लोगों को ऑफलाइन जाके पूरा ठीक से मतलब बात करना होगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, माइक ऑफ कर दिया आप लोग थोड़ा। हाँ तो हम बोलना चाहते हैं कि अगर पहले एड्रेस कंफर्म हो जाए उसके बाद एक मतलब नियरली 40 नहीं 20 लोग भी हो जाए ना, बहुत मतलब सही होगा कि जाके उनको क्लेम करने के वगैरह, ज्यादा दंगा वंगा नहीं, बस ऐसे ही मतलब पीसफुली बात करेंगे। नहीं हुआ तो बहुत सारा सोर्सेस है, मैं भी जनरली एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ तो ये सब मतलब हमें भी पता है कि कैसे क्या करना है। रही बात, हम एकजुट नहीं मतलब एक साथ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ये एक मैं देख लिया, क्योंकि मैं बार बार खुद अकेला इतना क्लेम किया था, ये लोग बहुत मतलब बहुत गंदा किए थे हमारे साथ, बिल्कुल रिक्वेस्ट कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हम सजेस्ट ये करेंगे कि सब लोग, अभी आपका कोर्स चल रहा है, अभी C7 का चल रहा है, मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है वहां भी? बिल्कुल नहीं। बिजनेस एनालिटिक्स मैं फर्स्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लेम किया हूँ ना, तो उन लोगों को चांस मिल गया है कि इसको मतलब मैं कोई भी प्रॉब्लम अभी रिक्वेस्ट करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो झूठ भी बोला हूँ, तो मैं वही क्लेम करने के लिए भी मेरा कोई अभी ये नहीं है। अब सोच ये है कि जितने लोग मिलके जाएंगे, EMI के थ्रू है, EMI आप दे रहे हैं? हाँ जी, एडवांस का EMI हुआ है मेरा। कितनी EMI अभी जा चुकी है आपकी? बिल्कुल C7 बैच से मैं भी हूँ, सेम प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे बिल्कुल।